गाइस आज हम बेसिक जो कुछ सीखेंगे कि बाइक के अगर टायर में से हवा निकल जाती है तो उसका कारण क्या होता है। वैसे ही हवा निकल जाती है जब पंचर है, तो मेन सी बात यह है कि आज हम देखेंगे कि बाइक में पंचर है या नहीं, कैसे पता करें। ओके तो करते हैं शुरू। गाइस पहले हमें इतना सर्फ लेना है और इसे पानी में मिक्स कर लेना है। तो हम करते हैं इसे पानी में मिक्स। इससे क्या होगा कि जब हम इसे टायर पे लगाएंगे ना, तो जहाँ से हवा लीक हो रही होगी वहाँ से बलून बनेंगे। आप इसे ब्रश से भी कर सकते हैं, किसी कपड़े से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ब्रश तो नहीं है, कपड़े से ही करेंगे। तो अभी तो फिलहाल इसे मिक्स करते हैं। तो मैं इसे हाथ से ही हिला लूँगा। ओके कर दिया हमने इसे मिक्स। तो हैंड वॉश कर लेते हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो गाइस मैं इसे कपड़े से ही करूँगा। अगर आपके पास ब्रश हो तो आप ब्रश से कर सकते हैं। तो टायर नहीं घूमना इसलिए ये लगा लेंगे, क्योंकि पल्सर का सारा बाहरी हिस्सा आगे ही होता है। तो हम इसे ऐसे लगा लेंगे कि टायर हमें घुमा सकें। करते हैं शुरू। तो गाइस अब हम टायर पे जो सर्फ का घोल लगाएंगे, जो देखिए जहाँ पे पंचर होगा, अगर अगर आपकी बाइक में पंचर होगा तो वहाँ से बलून टाइप निकलेंगे। तो फिलहाल मेरी बाइक में तो कोई पंचर नहीं है, बट मैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए गाइस इसमें कोई पंचर नहीं है इसके। वैसे ही जो देखिए जो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। तो गाइस आप वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि टायर के आगे वाले हिस्से में ही पंचर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हवा साइड में से भी निकल जाती है। तो आपको दिखाता हूँ और कहाँ से हवा लीकेज होती है। तो जहाँ जो हवा भरने वाली टूटी होती है ना, जी देखिए इसे हम ओपन करेंगे। तो ये हो गया हमारी ओपन। तो हम इसे पानी लगाएंगे ऐसे सर्फ वाला। अगर इसमें लीकेज होगी, इसका बाल लीक होगा, तो जहाँ से बलून बनेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जी इस टायर की टूटी सही है एकदम, इसमें बलून नहीं मार रहा, मतलब जी ओके है। तो गाइस एक कारण और भी होता है जहाँ से हवा लीकेज होती है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो गाइस जैसे हमने टायर के फ्रंट में लगाकर गोल लगाकर चेक किया था ना, तो जिस साइड वाली किनारी है ना, कभी कभी ऐसा होता है ट्यूबलेस टायर के साइड में से ही हवा निकलती है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके साइड में भी सेम प्रोसीजर करना है। ऐसे लगा के चेक करेंगे हम। अगर साइड में से बलून निकलते हैं तो समझ लेना आपका टायर सही नहीं बैठा व्हील में। तो ऐसे सेम प्रोसीजर आप दूसरी साइड भी करेंगे। अगर वहाँ से लीकेज होती है, बलून से टैब हवा बाहर निकलती है, तो समझ लेना आपका टायर सही नहीं बैठा। तो ये काम तो मैकेनिकल ही करेगा, तो उसे ही सेट करवाएं, घर पे ना खोलें। अगर आपको नॉलेज है अच्छी खासी तो इसे आप घर पे भी खोल सकते हैं। तो गाइज हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे पंचर होने का पता लगता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्यूब वाला टायर होता है उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। बस उसमें इतना है, अगर टूटी जो होती है ना, जो बाल बाल होता है जिसके लाके टूटी हवा भरी जाती है, उसके ऊपर कुछ सर्फ का लगा ले जाता हूँ, ऐसा लगा ले। तो ऐसा अगर बुलबुला सा बने, बलून सा बने, तो समझ लो बाल लीक है। ओके अगर वो नहीं है तो ट्यूब वाले टायर का तो एक ही है, तो उसे खोल कर
पानी में डिबो डुबो कर, बहुत तो आप मिस्त्री से ही कराएं तो अच्छा है। बट अगर आपका ट्यूबलेस टायर है तो आप घर पे ही चेक कर सकते हैं कि आपके टायर की हवा निकली है या उसमें पंचर है। तो आपको मैं बता तो दिया है कि कैसे कैसे चेक करना है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो थैंक्स, बाय माय वीडियो। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.